हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है फॉर ऑल दी एचआर एस्पायरेंट्स जो कि एचआर की फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए है और ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाला है बिकॉज एचआर कहाँ से करना है ये इंपॉर्टेंट होता है रादर देन एचआर करना है आपको। तो इंस्टीट्यूट भी काफ़ी मैटर करता है और अगर इंस्टीट्यूट हो JBIMS विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए CEO मेकिंग फैक्ट्री, ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर आप अपना HR परस्यू करते हो तो क्या उसके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं इनके काफ़ी अच्छे कोर्स के बारे में विच इज़ मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD। हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स, फीस एंड प्लेसमेंट स्टैट्स जो कि बहुत मैटर करता है। सो अगर आप एक एस्पायरेंट हो जो कि HR फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्हें JBIMS में तो जाना है बट उन्हें ये कोर्स के बारे में नहीं पता है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू MBA बीट लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन लाइव पेपर एनालिसिस और वर्कशॉप्स आपको सबसे पहले मैन्युअर MBA एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो मैन्युअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैन्युअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट आर नंबर 8828514555 or 54। एंड इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आर सेंटर्स वसई, दादर, थाने, बोरिवली, अंधेरी, वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो इसलिए आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग। सो व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। नाउ सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। प्रोग्राम को जानने से पहले आपको यूनिवर्सिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। द इंस्टीट्यूट वॉज फाउंड इन 1965, तो ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और इसको CEO मेकिंग फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ से जितने भी स्टूडेंट निकलते हैं ये कहीं ना कहीं आज CEO के लेवल पर काम कर रहे हैं। तो आप भी हो सकते हो नेक्स्ट CEO इन द मेकिंग। JBIMS हैज़ बीन अ पायनियर इन मैनेजमेंट एजुकेशन। JBIMS is consistently ranked among top 10 premier B schools in the country with a legacy spanning over 52 years. तो ये बिल्कुल सच है कि ये हमेशा से टॉप 10 की रैंकिंग में रैंक करता है ये कॉलेज। और अगर आप मुंबई में कोई बेस्ट MBA कॉलेज है देख रहे हो तो JBIMS हमेशा से आपको नंबर वन प्रायोरिटी पर ही मिलेगा। इवन इफ़ यू टॉक इन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में भी आपको ये नंबर वन पर ही दिखेगा। The institute has full-time faculty in the core management disciplines and the functional areas of management. The institute also has a panel of eminent management experts and senior practicing managers from diverse field of management. JBIMS offer full-time and part-time programs in management. तो ये काफ़ी सारे programs भी offer करते हैं जिनको हम आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर courses की बात करें तो यहाँ पर आपको इनका flagship program मिलता है Masters of Management Studies MMS जो कि इक्विवेलेंट टू MBA है। ये 2 साल का आपको रेगुलर प्रोग्राम मिलेगा। इसके लिए कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं तो अगर आप MMS के लिए जाना चाहते हो मेक श्योर कि आपका कट ऑफ काफ़ी अच्छा हो इसके लिए। देन दे हैव मास्टर्स ऑफ साइंस इन फाइनेंस, MSc इन फाइनेंस, तो अगर आप फाइनेंस में ज़्यादा इंक्लाइंड हो आप इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। देन कम्स मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, तो ये प्रोग्राम के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रोग्राम क्यों इतना स्पेशल है। पार्ट टाइम MMS डिग्री प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम इन मैनेजमेंट स्टडीज़, अगर आपको रिसर्च लेवल पर कुछ करना है तो PhD प्रोग्राम भी ये ऑफर करते हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। टॉकिंग अबाउट दी MHRD, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ 2-ईयर फुल टाइम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2019, तो 4 साल हो गए इस कोर्स को चालू करे। The program is designed for aspirants with a strong desire to specialize in human resource management. वैसे तो HRM आपको as a specialization कोई भी दूसरे बी स्कूल में मिलेगा बट ये इन्होंने अलग से एक प्रोग्राम ही स्टार्ट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स HRM के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड है वो इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। इट फोकसेज ऑन डेवलपिंग HR लीडर्स
integrated with the business as partners. The program offers an extensive curriculum which includes a series of courses in various areas of management apart from HR courses. तो यहाँ पर आपको HR courses तो पढ़ाया जाएगा, apart from that आपको management में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी. These are multidisciplinary courses which are important for strategic planning and decision making. तो ये ना ही सिर्फ एक specialization but एक पूरा अलग से program आपको देखने को मिलता है in JBIMS, जिसको आप इजीली ऑप्ट कर सकते हो अगर आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो HRM की तरफ. इफ़ यू मूव फर्दर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन 10th और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 55 इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी. तो आपके 10th स्टैंडर्ड में 60% होने चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा. द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% इन 12th एज वेल, और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 55%. तो 10th और 12th मिलाकर आपको 60% लेकर ही आने. 10th में भी आपका 60 होना चाहिए एंड 12th में भी आपका 60 होना चाहिए, उसके नीचे कोई स्कोर नहीं चलेगा. द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मिनिमम 3 years ड्यूरेशन बैचलर्स डिग्री अवार्डेड बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स. तो अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45%. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है, 60% इन 10th, 60% इन 12th, 50% इन ग्रेजुएशन अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो. रिजर्व कैटेगरी से हो तो 5% की कंसेशन आपको हर एक स्टेज पर है. नेक्स्ट इसकी एडमिशन प्रोसेस की तरफ देख लेते हैं. सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा. अब एप्लीकेशन आपको JBIMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा, जिसको आप फिल कर सकते हो फॉर दी HRM प्रोग्राम या MHRD प्रोग्राम आप बोल सकते हो. सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिल करोगे, फिर उसके बाद होगा आपका रिटर्न टेस्ट स्कोर. आप कैट के थ्रू भी जा सकते हो, आप CET के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप JBIMS का खुद का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली, आप उस टेस्ट को लिखकर इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हो. हालांकि उनके बाकी सारे कोर्सेज़ के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कैट और CET का स्कोर ही लेते हैं, बट इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट रखा हुआ है, जो कि आप लिखकर इजीली इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हो. फिर आपकी मेरिट लिस्ट आउट होगी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट स्कोर. उसके बाद मेरिट लिस्ट जो कि 300 कैंडिडेट्स की निकलती है, अगर आप 300 के अंदर आते हो तो आप इन पर्सन असेसमेंट के लिए क्वालिफाई होंगे. अगर आप 300 में नहीं शॉर्टलिस्ट होते हो देन यू आर डिसक्वालीफाइड. अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए देन होगा आपका इन पर्सन असेसमेंट विच इंक्लूड्स ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू और RVAT. फाइनल स्टेप जो होता है वो है कंपोजिशन ऑफ टोटल स्कोर, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टू द प्रोग्राम. ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनली इस प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिलता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके लिए. आपको सबसे पहले एग्ज़ाम लिखना है. आप कैट के थ्रू जा सकते हो, CET के थ्रू जा सकते हो, या फिर JBIMS का खुद का एग्ज़ाम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वो लिखकर जा सकते हो. उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट होगी बेस्ड ऑन योर रिटर्न टेस्ट स्कोर. उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसके अंदर अगर आप 300 के अंदर शॉर्टलिस्ट होते हो यू आर एलिजिबल फॉर द इन पर्सन असेसमेंट. अगर आप नहीं एलिजिबल होते हो यू आर सिंपली डिसक्वालीफाइड, और उसके बाद आपकी टोटल कंपोजिशन स्कोर रिलीज होती है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान में रखना. फिर एक नज़र डाल लेते हैं उसके ब्रेकअप एंड वेटेज पर. रिटर्न टेस्ट जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, इन पर्सन असेसमेंट होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा. अब इन पर्सन असेसमेंट में आपके होंगे ग्रुप एक्टिविटी, जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, फिर होगा रिटर्न एबिलिटी टेस्ट. अगर ग्रुप एक्टिविटी की बात करें तो 40 मार्क्स आपके ग्रुप एक्टिविटी को जाएंगे. पर्सनल इंटरव्यू सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है 50 मार्क्स, और रिटर्न एबिलिटी टेस्ट 10 मार्क्स. तो ये टोटल मिला के होंगे आपके 100 मार्क्स. वहीं अगर हम बात करें रिटर्न टेस्ट की, देन द रिटर्न टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच. द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस where the correct response is scored as 1 depending upon the correct and desired choice. अब ये 100 question क्या include करते हैं, आपके 5 sections such as numerical ability, general and business environment awareness, human behavior aspect, group dynamics, individual behavior. Number of questions की अगर बात करें तो हर एक section के लिए आपको 20 question each. एक चीज़ का ध्यान आपको देना होगा कि यहाँ पर रिटर्न टेस्ट स्कोर हैव 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अवेयरनेस सेक्शन. तो आपको ये दो सेक्शन के लिए स्पेशली नेगेटिव मार्किंग है, बाकी ये तीन सेक्शन के लिए आप देयर इज़ नो नेगेटिव
मार्किंग। तो आपको ये दो सेक्शन में काफ़ी ध्यान देना है। अगर इसकी फीस की बात करें तो आपका फीस स्ट्रक्चर जो है 350,000 होगा पर एनम, तो आप इसको इंटू टू कर सकते हो 2 साल के लिए। तो काफ़ी मिनिमल फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बिकॉज़ अगर हम इसके पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए गया है वो है 21.5 लाख पर एनम का, एवरेज 16.5 लाख पर एनम एंड मीडियन 14.8 लाख पर एनम का। सीट इनटेक की बात करें तो 30 सीट्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, तो आप इजीली टारगेट कर सकते हो इसको। आपको JBIMS का खुद का एग्ज़ाम क्रैक करना है, या आप कैट का स्कोर या CET का स्कोर भी उसमें दे सकते हो। फी स्ट्रक्चर भी काफ़ी बजट में है, पैकेजेस आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, सीट इंडेक्स भी काफ़ी कम है इसके अंदर, तो थोड़ा सा कंपटीशन का भी ध्यान आपको रखना होगा। और अगर हम इनके रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सारे टॉप इंडस्ट्री शॉट्स आपको यहाँ पर रिक्रूट करेंगे, जैसे अडानी पावर, एग्रोस्टार, अमेजोन, HCL, बजाज कैपिटल, टाटा डिजिटल, मर्सर, डाविन बॉक्स, ईगल बर्गमैन, पूमा, रेमंड, सियाराम। तो ऐसी बड़ी कंपनीज में भी आप जॉब इजिली कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स प्रिटी मच इट ऑन दी MHRD प्रोग्राम। अगर आपका कोई ड्रीम है कि HR में आपको अपना करियर परस्यू करना है, और कोई आप टॉप कॉलेज देख रहे हो, तो JBIMS से अच्छा कैंपस आपको नहीं मिलने वाला। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनका सपना है HR में अपना करियर परस्यू करना, सो दैट उनको पता चल जाए JBIMS में एक स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम उनका वेट कर रहा है। वंस अगेन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन यूर MBA एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट। और अगर आप ये वीडियो मैन यूर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन यूर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस, अंटिल देन सी इन द नेक्स्ट वन।